हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राहुरी। इसमें हम देखेंगे आईसीएआर से क्रेडिटेड प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो एमपी केवी राहुरी के अंतर्गत आती है, और इसमें हम आगे देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सीटें कितने हैं हर एक यूनिवर्सिटी में। अब आगे हम देखेंगे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कौन कौन सा यूनिवर्सिटी ऑफर करती है और क्या वो आईसीएआर से एक्रीडेटेड है या नहीं। तो सबसे पहले कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर शिवाजी नगर पुणे में जो है आईसीएआर से एक्रीडेटेड है ऑफ यूनिवर्सिटी एमपी केवी राहुरी। इसमें टोटल कैपेसिटी है एडमिशन लेने का 190। नेम ऑफ ऑफिसर का भी नाम यहाँ पे दिया है, टेलीफोन नंबर भी दिया है। इसमें हॉस्टल अलॉट होती है तो हाँ है, मेल प्लस फीमेल दोनों के लिए है लेकिन लिमिटेड है। फिर आगे देखते हैं दूसरा, आगे देखते हैं राजश्री साहू महाराज कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो ओल्ड पुणे बेंगलोर रोड तरफ स्थित है। इसका कॉलेज कोड ये रहा कि आईसीआर से क्रेडिट है, हाँ ये भी है। इंटेक कैपेसिटी कितना है, 190 स्टूडेंट के लिए। इसमें हॉस्टल फैसिलिटी है, हाँ है, मेल फीमेल दोनों के लिए लिमिटेड है। फिर हम आगे देखते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर परोला रोड डूली, ये भी आईसीआर से एक्रेडिटेड है, एमपी केवी राहुरी के अंतर्गत ही आती है। इंटेक कैपेसिटी 128, हॉस्टल कैपेसिटी यहाँ भी है, यस, मेल फीमेल दोनों के लिए। अगला देखते हैं चौथा नंबर में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर डूले रोड नंदुबार, इसका कॉलेज कोडिया रहा, ये भी आईसीआर से एक्रेडिटेड है, एमपी केवी राहुरी, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। इसमें नंबर ऑफ सीटें 60 है, ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, यहाँ भी हॉस्टल मेल फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। फिर हम आगे देखते हैं यशवंतरो चवन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर राठ डिस्ट्रिक्ट 17, इसका कॉलेज कोड ये रहा, क्या ये आईसीआर से ग्रेड है, तो नहीं ये आईसीआर से ग्रेडेड नहीं है, एमपी केवी राहुरी के अंतर्गत ही आती है। नंबर ऑफ सीटें इसके अंदर 60 है, ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर रहा। इसमें भी बॉयज और गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल है विथ लिमिटेड सीट। फिर हम आगे देखते हैं 6 नंबर में, ये हम बात बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की कर रहे हैं, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं। तो 6 नंबर में देखेंगे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मुक्ति नगर डिस्ट्रिक्ट जलगांव, ये आईसीआर से ग्रेडेड नहीं है, एमपी केवी राहुरी के अंतर्गत आती है। नंबर ऑफ सीटें 60 है, कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ भी है, मेल फीमेल दोनों के लिए। श्लोक अल्ले देवी होलकार कृषि महाविद्यालय होलगांव, यहाँ का एड्रेस दिया गया है, ये भी आईसीआर से एक्रीडेटेड नहीं है, एमपी केवी राहुरी के अंतर्गत ही आती है। इसमें टोटल सीटें 60 है, कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा। क्या इसमें हॉस्टल फैसिलिटी है, तो इसमें हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, ना बॉयज के लिए ना गर्ल के लिए। फिर आगे देखते हैं 8 नंबर में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, इसका कॉलेज कोड ये रहा, ये भी आईसीआर से एक्रेडिटेड नहीं है, एमपी केवी राहुरी के अंतर्गत ही आती है। 60 सीटें हैं इसके अंदर, कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा। महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ के अंतर्गत जितने भी यूनिवर्सिटी आती है उसमें, तो आप इस चीज को ध्यान दें कि वो यूनिवर्सिटी आईसीआर से एक्रेडिटेड होना चाहिए। अगर वो आईसीआर से एक्रेडिटेड नहीं है तो आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना ले, वही आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आगे जाकर आप हायर स्टडी के लिए जाएंगे तब आपको उस समय दिक्कत हो सकती है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से एडमिशन ले जो भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो। फिर हम आगे देखते हैं 9 नंबर में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर अकोला, ये आईसीआर से एक्रेडिटेड है, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी डॉक्टर पी डी के वी सिटी इसके अंदर है, 120, कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा। बॉयज और गर्ल्स के लिए दोनों के लिए हॉस्टल यहाँ पे अवेलेबल है विथ लिमिटेड सीट। फिर आगे देखते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर आईसीएआर से एक्रेडिटेड है, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी डॉक्टर पी डी के वी, इसमें इंटेक कैपेसिटी 180, यहाँ का नेम ऑफ नोडल ऑफिसर का नाम दे दिया गया है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको कुछ भी जानकारी लेना हो तो ये नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। फिर हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ भी है, मेल फीमेल दोनों के लिए, बॉयज गर्ल दोनों के लिए विथ लिमिटेड सीट, यानी कि जब सीट फुल हो जाएगी हॉस्टल में तो आपको हॉस्टल अलॉट नहीं होगी, फिर आपको वहाँ पीजी वगैरह लेकर आना पड़ेगा। फिर आगे देखते हैं 11 नंबर में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सोनपुर में जो अवेलेबल है, फिर भी आईसीएआर से एक्रीडेटेड है, यूनिवर्सिटी का नाम है डॉक्टर पी डी के वी, इंटेक कैपेसिटी 60 है, इसमें 60 स्टूडेंट को ही एडमिशन मिलती है, ये कॉन्टैक्ट नंबर रहा। हॉस्टल फैसिलिटी इसमें भी अवेलेबल है, मेल फीमेल दोनों के लिए, इसमें जितने स्टूडेंट आएंगे सारे को वो फैसिलिटी देंगे, हॉस्टल फैसिलिटी। तो आगे बात करते हैं 12 नंबर में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मूल डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुरा, इसका आईसीआर से एक्रेडिटेड नहीं है, ये डॉक्टर पी डी केवी कॉलेज के अंतर्गत आती है। इसमें 60 के इंटेक कैपेसिटी 60 है, कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा। हॉस्टल फैसिलिटी इसमें भी अवेलेबल नहीं है, ना बॉयज के लिए ना गर्ल के लिए। फिर आगे बात करते हैं श्री शिवाजी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर अमरवती, ये आईसीआर से एक्रेडिटेड नहीं है, इसमें टोटल सीटें हैं 180, ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, और ये इसमें सिर्फ मेल के लिए है, यानी कि सिर्फ बॉयज के लिए लिमिटेड सीटें हैं हॉस्टल फैसिलिटी में। 14 नंबर में बात करते हैं आनंद निकेतन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, ये आईसीआर से एक्रेडिटेड नहीं है, इसमें टोटल 120 सीटें हैं, कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा। ये इसमें हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है, ना बॉयज के लिए ना गर्ल के लिए। कॉलेज देखते फिर आगे देखते हैं 15 नंबर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर परवनी में है, ये आईसीएआर से एक्रेडिटेड है। जब आप आईसीएआर का काउंसलिंग करेंगे तब उसमें आपको ये कॉलेज का नाम, टोटल सीटें हैं 120,
कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा, इसमें हॉस्टल फैसिलिटी है बॉयज़ के लिए भी गर्ल के लिए भी, लेकिन लिमिटेड है। अगर हॉस्टल सीटें फुल हो जाती है तो आपको इसमें हॉस्टल अलाउट नहीं होगा। फिर 16 नंबर में देखते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लातूर में है, ये भी ICAR से एक्रेडिटेड है, इसमें टोटल सीटें हैं 120। कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा, इसमें भी बॉयज़ गर्ल के लिए सेपरेट हॉस्टल विथ लिमिटेड सीट। फिर 17 नंबर में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बदनापुर DSTR से एक्रेडिटेड है, 120 सीटें इसके अंतर्गत। कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा, इसमें भी हॉस्टल फैसिलिटी बॉयज़ गर्ल के लिए लिमिटेड है। 18 नंबर में देखें फिर तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट बीड स्टम्प बेजगोई, ये भी ICAR से एक्रेडिटेड है, 120 सीटें इसके अंतर्गत, इसमें भी हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। फिर आगे बात करते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ओसामनबाद किरनी ओसामनबाद तेर रोड, ये ICAR से एक्रेडिटेड है, टोटल सीटें 60। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का ही बात कर रहे हैं हम टोटल अभी तक, इसमें हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इसमें आपको आसपास PG लेकर आना पड़ेगा। फिर आगे देखते हैं 20 नंबर में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर गोलेगांव, ये भी ICAR से एक्रेडिटेड है, टोटल सीटें 60। कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा, इसमें भी हॉस्टल फैसिलिटी बॉयज़ गर्ल के लिए दोनों के लिए अवेलेबल नहीं है। फिर हम आगे देखते हैं 21 नंबर में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर डपोली, ये भी आपको दिखेगा जब आप ICAR का काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करेंगे BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए, यूनिवर्सिटी आपको दिखेगी उसमें, ICAR से एक्रेडिटेड है ये भी, इसमें टोटल कैपेसिटी 120, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है मेल फीमेल दोनों के लिए, विथ लिमिटेड सिटी रहा कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये टोटल 21 कॉलेज जो MPKV राहुरी के अंतर्गत आती है, यानी महाराष्ट्र में आती है, जो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर ऑफर करती है कोर्सेस, जिसमें कुछ थी जो कि ICAR से एक्रेडिटेड थी और कुछ थी जो ICAR से एक्रेडिटेड नहीं थी। जब ICAR से एक्रेडिटेड रहे तभी आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, अन्यथा ना ले, नहीं तो आपको फ्यूचर में परेशानी हो सकती है। वहीं बात करते हैं ICAR के थ्रू जो स्टूडेंट लोग जाते हैं उनको ऑटोमेटिकली ICAR एक एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी ही अलॉट होती है, अलॉन्ग विथ हॉस्टल फैसिलिटी एंड अलॉन्ग विथ 3000 पर मंथ स्कॉलरशिप पर सेमेस्टर एग्जाम जो होता है उसको आप मेंटेन करके रखते हैं तो आपका फर्दर स्कॉलरशिप है वो कंटिन्यू रहता है। अगर एक बार भी आप उसमें मेंटेन नहीं किए तो आपका स्कॉलरशिप रद्द भी कर दी जाती है। BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, इसमें कितने कॉलेजेज हैं जो BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर में एडमिशन देती है और कौन कौन सा यूनिवर्सिटी है जो ICAR से एफिलिएटेड है या ICAR से एक्रेडिटेड है, उसमें कैपेसिटी क्या है टोटल, हॉस्टल फैसिलिटी है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर शिवाजी नगर, ये ICAR से एफिलिएटेड नहीं है, सीटें 32। कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा, हॉस्टल फैसिलिटी दोनों में है बॉयज़ गर्ल दोनों के लिए। फिर दूसरा देखते हैं कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर काष्ठी, इसमें ये भी ICAR से एक्रेडिटेड नहीं है, टोटल नंबर ऑफ सीटें 60। कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा, हॉस्टल में देखते हैं तो मेल के लिए अवेलेबल है, फीमेल के लिए नहीं। देखते हैं कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर अकोला, ये ICAR से एक्रेडिटेड है, टोटल इनटेक कैपेसिटी 60, इसमें हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर में, न बॉयज़ के लिए न गर्ल के लिए। फिर आगे देखते हैं 4 नंबर में कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो ये ICAR से एक्रेडिटेड है, इनटेक कैपेसिटी इसमें 60 है। कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा, इसमें भी हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है बॉयज़ गर्ल दोनों के लिए विथ लिमिटेड सीट। फिर आगे देखते हैं 5 नंबर में कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर डपोली, ICAR से एक्रेडिटेड नहीं है, BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर के लिए बात कर रहे हैं हम, इसका कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा, इसमें क्या है कि बॉयज़ और गर्ल दोनों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी है विथ लिमिटेड सीट। फिर आगे बात करते हैं कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये ICAR से एफिलेटेड है, इसमें टोटल सीटें 60, बॉयज़ गर्ल दोनों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है विथ लिमिटेड सीटें। तो टोटल इसमें BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर में 332 सीटें हैं जो कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जितना भी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें, और वहीं BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में टोटल 2248 सीटें थी, वहीं BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में टोटल महाराष्ट्र स्टेट में जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अवेलेबल है उसमें 2248 सीटें हैं। एक यूनिवर्सिटी है जो ICAR से एक्रेडिटेड है, तो आप यूनिवर्सिटी को ना देखें कि वो एक्रेडिटेड है या नहीं, आप ये देखें कि वो किस फैकल्टी के लिए एक्रेडिटेड है। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए उसको एक्रेडिटेशन मिला है या हॉर्टिकल्चर के लिए मिला है या बीटेक के लिए मिला है, ये आप ध्यान देंगे कि हो सकता है एक यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर का एक्रेडिटेशन मिला हो लेकिन हॉर्टिकल्चर का नहीं मिला हो, तो आप ये भी ध्यान देंगे उसमें। BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री की बात कर ले तो कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री अकोला, ये ICAR से एक्रेडिटेड है, इसमें टोटल सीटें 50, इसमें बॉयज़ के लिए सीटें हैं हॉस्टल में लेकिन गर्ल्स के लिए नहीं है। कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री डपोली, ये ICAR से एफिलेटेड है BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर के लिए, सॉरी BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री के लिए, इसमें टोटल सीटें हैं 32, बॉयज़ गर्ल दोनों के लिए हॉस्टल अवेलेबल है विथ लिमिटेड सीट, टोटल 82 सीटें हैं BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री में। महाराष्ट्र स्टेट में जो दो कॉलेज है फॉरेस्ट्री के लिए उसमें टोटल 82 सीटें हैं विथ ICAR एक्रेडिटेशन।
फिर आगे बात करते हैं बीएससी ऑनर्स फिशरी साइंस, पहला एक ही कॉलेज है बीएससी कॉलेज ऑफ फिशरीज श्री गांव, जो कि आईसीआर से एक एडमिशन है इसका, 40 सीटें हैं, हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है बॉयज गर्ल दोनों के लिए। फिर आगे देखते हैं बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में, तो कॉलेज ऑफ फूड टेक्नोलॉजी ये वहाँ का एड्रेस दिया गया है, तो ये आईसीआर से एक एक्रेडिटेशन इसके अंतर्गत नहीं है, टोटल सीटें 40 है, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है बॉयज गर्ल दोनों के लिए विथ लिमिटेड सीट। कॉलेज ऑफ फूड टेक्नोलॉजी यवतमल, ये आईसीआर से इसके अंतर्गत एक्रेडिटेशन नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें सीटें 40 हैं और इसमें हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है, ना बॉयज के लिए ना गर्ल के लिए। फिर कॉलेज ऑफ फूड टेक्नोलॉजी परिवनी, ये आईसीआर से एक्रेडिटेड है, इसमें टोटल सीटें 80 है कॉलेज ऑफ फूड टेक्नोलॉजी में, और इसमें बॉयज गर्ल दोनों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है विथ लिमिटेड सीट। टोटल 160 सीटें हैं बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में, जिसमें दो कॉलेज है जिसके पास आईसीआर का एक्रेडिटेशन नहीं है। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, वसंतरो नायक कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी यवंतमल, ये आईसीआर से एक्रेडिटेशन है, इसके अंतर्गत 50 सीटें हैं बॉयज और गर्ल दोनों के लिए, इसमें सीट अवेलेबल है, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है बॉयज और गर्ल दोनों के लिए विथ लिमिटेड सीट। फिर आगे देखते हैं विलासरो देशमुख कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी लातूर में है, ये आईसीआर से इसके पास एक्रेडिटेशन है, टोटल सीटें 50, बॉयज और गर्ल दोनों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है विथ लिमिटेड सीट। तो इसमें टोटल बायोटेक्नोलॉजी के लिए 100 सीटें हैं। फिर आगे देखते हैं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जो कि इसमें सिर्फ पीसीएम या पीसीएमबी वाले ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो हम पहला देखते हैं डॉक्टर आनंद साहेब शिंदे कॉलेज एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी राहुरी, ये आईसीआर से इसके पास एक एडिशन है, एमपी के भी राहुरी के अंतर्गत ही आती है, 64 सीटें हैं, इसमें बॉयज और गर्ल के लिए दोनों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी कि 64 में से 64 स्टूडेंट को हॉस्टल अलॉट होगी। फिर आगे देखते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी काष्टी ताल मेलगांव, इसमें ये आईसीआर से इसके पास एक्रेडिटेशन नहीं है, इसमें 40 सीटें हैं, बॉयज के लिए हॉस्टल फैसिलिटी है लेकिन गर्ल के लिए है ही नहीं है। फिर आगे देखते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अकोला, इसमें आईसीआर का एक्रेडिटेशन है, 60 सीटें हैं और इसमें बॉयज और गर्ल दोनों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। चौथा नंबर में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी परिवनी में है, इसका भी आईसीआर का एक्रेडिटेशन इसमें भी है, 80 सीटें हैं और ये हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेल करवाती है बॉयज गर्ल दोनों के लिए विथ लिमिटेड सीट। फिर आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं पांच नंबर में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डकोली, ये आईसीआर से इसके पास एक्रेडिटेशन है, 60 सीटें हैं इसके अंतर्गत और इसमें बॉयज और गर्ल दोनों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है विथ लिमिटेड सीट। और ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, आपको कोई जानकारी लेना हो तो इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में टोटल महाराष्ट्र स्टेट में जितने भी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है उसमें 304 सीटें हैं, जो कि आगे बात करते हैं बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस की बात कर लेते हैं। तो पहला देखते हैं कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस परिवनी में, ये आईसीआर के सीआर का एग्रीडेशन इसके अंतर्गत है, टोटल 60 सीटें हैं, इसमें बॉयज और गर्ल दोनों को हॉस्टल अलॉट होती है विथ लिमिटेड। कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट आईसीआर का एग्रीडेशन नहीं है, टोटल इनटेक कैपेसिटी है 60, कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा, हॉस्टल फैसिलिटी बॉयज गर्ल दोनों के लिए अवेलेबल। कुछ और यूनिवर्सिटी है ये बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर जो सीआर से एग्रीडेड नहीं है, तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। हम आपको आईसीआर 2022 के लिए फ्री काउंसलिंग गाइडेंस लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको सारा कुछ फ्री दिया जाएगा, कोई फी चार्ज नहीं की जाएगी। उसमें आपको टॉप यूनिवर्सिटी पीडीएफ लिस्ट, आपका स्कोर पर कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा, वाइज यूनिवर्सिटी, स्टेट वाइज यूनिवर्सिटी, सारा का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, हम वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपना काउंसलिंग खुद से कर सकते हैं, बिना कोई पेड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हुए, बट आपकी मर्जी, आप कर भी सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि अपना काउंसलिंग खुद से करें, कुछ वास्ट नहीं है, नॉर्मल सा चीज होता है सारा कॉलेज को, अपना चॉइस के अनुसार से। और रही बात टॉप यूनिवर्सिटी पीडीएफ लिस्ट, जो कि आपको हम टेलीग्राम में दे ही रहे हैं, तो उस पीडीएफ को यूज करके अपना काउंसलिंग खुद से करें। तो इस वीडियो में इतना ही, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछे या इंस्टा पे पूछे या टेलीग्राम में पूछे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।